प्यार के बाद जब एक टाइम आता होता है कि भाई ब्रेकअप हो जाता है इंसान का, अलग हो जाते हैं या किसी कारण से नहीं हो पा रही सेटिंग, नहीं चल पा रहा, तो इंसान कोशिश करता है अपनी तरफ से। और ब्रेकअप कभी भी एक तरफा नहीं होता, इसमें ये हो जाता है कि किसी की परसेंटेज ज़्यादा है, किसी की कम है, किसी की कोशिशें ज़्यादा हैं, किसी की कोशिशें कम है, लेकिन रिश्ता कभी एक तरफा नहीं टूटा करता। लेकिन कोशिश जब की जा रही हो रिश्ते को बचाने की, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक इंसान कोशिश कर रहा है तो दूसरे को उसकी कोशिश को समझना चाहिए, उसको जानना चाहिए, पहचानना चाहिए। नहीं तो एक टाइम आता है कि अल्टीमेटली जब रिश्ता ख़त्म होने की कगार पर होता है और एक इंसान कोशिश करता करता थक जाता है, तो अंत में वो ऐसे कुछ लाइनें मैं बता रही हूँ, कुछ ऐसा सा रहता है ना, अब वो है पहला सा तो कुछ बदल गई हूँ मैं भी, ना अब वो है पहला सा तो कुछ बदल गई हूँ मैं भी, ना उसमें वो नूर रहा कुछ मुरझा गई हूँ मैं भी। नहीं करता वो पहले जैसी बातें, नहीं करता वो पहले जैसी बातें, तो कुछ खामोश हो गई हूँ अब मैं भी। कुछ बताता नहीं वो अब, पहले की आदत होती है कि हर चीज़ हम शेयर करते हैं, खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना। नहीं बताता अब वो कुछ तो छुपा लेती हूँ कुछ अब मैं भी। गुनहगार वो है, गुनहगार वो है, ये सच है, तो पारसा नहीं रहूँगी अब मैं भी। चाहत जो बदल गई है उसके दिल में, तो बदल जाऊँगी अब मैं भी। कभी चाहत थी उस जैसा बनने की, ये वो फेज था जब सब कुछ सुनहरा सुनहरा था, कभी चाहत थी उस जैसा बनने की, हम चाहते हैं कि यार मैं भी ऐसा हूँ, लेकिन अब ये रिवेंज वाला मूड आ गया, तो अब बन जाऊँगी अब उसके जैसी मैं भी। अगर आता नहीं उसे अब पहले जैसा ख्याल मेरा, अगर अब उसे आता नहीं पहले जैसा ख्याल मेरा, तो लापरवाह बन जाऊँगी मैं भी। हरा दिया उसने मुझे मेरी ही मोहब्बत में, हरा दिया उसने मुझे मेरी ही मोहब्बत में, बिखेर दिया उसने मुझे ना जाने किस और की चाहत में। हरा दिया उसने मुझे मेरी ही मोहब्बत में, बिखेर दिया ना जाने किसी और की चाहत में। जो नहीं वक्त अब उसके पास मेरे लिए, नहीं जो वक्त उसके पास पहले जैसा मेरे लिए, तो मसरूफ़ हो जाऊँगी अब मैं भी। इसके साथ ये कहानी ख़त्म होती है, और ये होता है कि जिनसे होती थी बातें अब उनसे बात ही ख़त्म हो गई। फिर एक टाइम आता है कि अगले इंसान को लगता है कि हाँ गलती हुई मुझसे, वो लौट के आना चाहता है, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है, वो फेस रहा ही नहीं है। रिश्ता जोड़ने की कोशिश करते 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 लड़की थक चुकी, हार चुकी, बिखर चुकी, अपने आप को दोबारा समेटते हुए दोबारा खड़ी होती है, और वो फेस आता है कि जब वो वापस आना चाहता है ये मानते हुए कि हाँ मुझसे गलती हुई। तो अब लड़की उसको ये बोलते कि कुछ भी रहे दिल में प्यार तो है, रहेगा भी हमेशा, लेकिन अब वो पहले जैसे जज्बात नहीं आ सकते, क्योंकि जब इंसान एक बार टूट जाता है तो वो दोबारा भले वो जुड़ भी जाए लेकिन उसमें वो पहले जैसी चीज़ नहीं रहती। तो कहता है कि क्यों अब तुम्हारे दिल में मेरे लिए मोहब्बत नहीं, तो कहती है मोहब्बत तो है, कल भी थी आज भी और कल भी रहेगी, तू पास रहे तू ना रहे, तू साथ रहे तू ना रहे, तू मुझे देखे तू ना देखे, तू मुझे दिखे या ना दिखे, ये प्यार का वो फेज़ आ चुका है कि प्यार अब दिल में है, चाहे दर्द बनकर, चाहे तकलीफ़ बनकर, चाहे एक याद बनकर, लेकिन साथ नहीं। तो कहता है तू कभी कहा करती थी कि मैं तेरी जान हूँ, कभी अलग हुए तो जिसमें जान जुदा हो जाएगी, तो उसके ऊपर है कि हाँ कभी मेरी जान थे तुम, मैंने माना कि कभी मैं कहा करती थी, और ये बात सच भी है कि कभी मेरी जान थे तुम, दुनिया के लिए मेरी पहचान थे तुम, आ जाती थी जो हर बात मेरे होठों पर, आ जाती थी हर बार जो मेरे होठों पर, वो मेरी मधुर मुस्कान थे तुम। कोई मुझे जाने या ना जाने मेरे सच्चे कदरदान थे तुम, कोई मुझे जाने ना जाने मेरे सच्चे कदरदान थे तुम, दिन भर की थकान जो सिर्फ अपनी बातों से दूर कर दे, मेरे वो सुख चैन आराम थे तुम। करी थी मोहब्बत कुछ इस तरह कि मेरे दिल का पहला और आखिरी अरमान थे तुम, जिसकी कही बात बिना कुछ सोचे समझे मैं मान लेती, मेरे दिल में बचे कुछ इस कदर के भगवान थे तुम। तब तक तुम सिर्फ मेरे थे, तब तक तुम सिर्फ मेरे थे, जब तक गैरों से अनजान थे तुम,
जब तक बाकी लोगों से ताल्लुकात नहीं थे, बाकी और किसी रिश्ते में नहीं थे, तब तक तुम सिर्फ मेरे अपने थे। जब गैरों से अनजान थे तुम, कभी जो बसे थे मेरी हर धड़कन में, अब उसी के लिए मेहमान थे तुम। कैसे कर गए बेवफाई ये आज भी सवाल जीने नहीं देता, कैसे कर गए बेवफाई ये सवाल आज भी जीने नहीं देता। मैं यूं ही समझती रही कि नादान थे तुम। मैं चलती रही तेरी दिखाई राह पर, मैं चलती रही तेरी दिखाई राह पर मेरी हर बात के लिए नाफरमान थे तुम। जाने क्यों मोहब्बत में तुम्हें खुदा समझ बैठी, जाने क्यों मोहब्बत में तुम्हें खुदा समझ बैठी, जबकि महज एक इंसान थे तुम। आज उसी को जीते जी मार डाला जिसकी कभी जान थे तुम। थैंक यू सो मच।